हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम एक फ्रूट के बारे में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। ये फ्रूट आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे ही इसको हार्वेस्ट किया जाएगा, ये एकदम से इसका जो छिलका होता है काफ़ी बारीक होता है, तो ये फट जाता है। इसीलिए इसको तुरंत तोड़कर तुरंत खाया जाता है। बहुत ही अच्छा फ्रूट है ये। छोटे छोटे टमाटर जैसे होते हैं, इसमें लाल कलर में ये आता है, लाल मकोई होती है और ये काली मकोई होती है, तो ब्लैक नाइट शेड भी इसको कहा जाता है। ये प्योर ब्लैक नहीं होती है, हल्का पर्पल नेसेस में होता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है और बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक है। तो इसमें बहुत से रोगों में फ़ायदेमंद है। इस पर एक वीडियो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन फिर भी आप इसको किसी जानकार व्यक्ति से पहले पता कीजिए, तभी इसका सेवन कीजिए। क्योंकि खाने के बारे में हम जानकारी शेयर नहीं करेंगे, हम तो इसको ग्रो करने के बारे में आज आपसे जानकारी शेयर करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये किसी जंगली या किसी जहरीले पेड़ के आसपास लगा होगा तो फिर वो नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए पहले इसकी जाँच पड़ताल अच्छे से कर लें, इसके बारे में पता कर लें, तभी इसका प्रयोग करें। तो इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। तो इसके बारे में हमने जैसे कि सुना है कि ये जो होती है त्रिदोष नाशक होती है, यानी कि वात पित्त और कफ को ये कंट्रोल करती है। अगर शरीर में वात पित्त कफ ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी होती है, कम हो जाए तो भी परेशानी होती है, तो ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है। ये ज़्यादातर आपको हर मौसम में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन ख़ास तौर पर इन दिनों या फिर रेनी सीज़न में ये काफ़ी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि उधर फरवरी मार्च में ये अपने आप ग्रो हो जाती है, सीज़न अच्छा होता है ग्रोथ करने का, और उधर रेनी सीज़न में यानी बारिश के मौसम में भी ये ग्रो हो जाती है। ये ग्रो करना बहुत आसान होता है अगर आपको कहीं इसका ये फ्रूट दिखाई देता है, क्योंकि सड़क किनारे या फिर किसी खाली पड़ी हुई जगह में प्लॉट में ये अपने आप ग्रो हो जाती हैं। तो आप वहाँ से इसका फ्रूट लेकर आइए और इसको ग्रो कीजिए। तो आगे इसके सीड्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो इसको सेमी शेड में ग्रो किया जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में इसका पौधा जलने लगता है, और बहुत कम धूप में भी ये ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, यानी कि सेमी शेड, जहाँ हल्की फुल्की धूप इसको मिलती रहनी चाहिए। तो ये नीचे वाले गार्डन में ग्रो की हुई है, बल्कि ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इनके सीड्स जो होते हैं, कभी कभी पक्षी इनका फल खा लेते हैं या हवा से उड़कर इनके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, तो इस तरह से ये अपने आप ग्रो हो जाती हैं। तो जहाँ पर रीठा का पेड़ लगा हुआ है, हमने वीडियो में शेयर किया हुआ था, बिल्कुल वहीं पर ये अपने आप ग्रो हो गई है। तो ये बहुत टेस्टी होती हैं। तो इनको इस तरह से आप या तो ऐसे के ऐसे ही फलों को आप किसी भी सॉयल में डाल दीजिए, अपने आप इसके पौधे बन जाते हैं बहुत सारे, और या फिर आप इनके सीड्स को इस तरह से अलग करके, जैसे स्ट्रॉबेरी को हम अलग करते हैं सीड्स, या फिर जैसे कीवी के सीड्स भी अलग किए होंगे आपने, तो बिल्कुल ऐसे ही इसके सीड्स होते हैं। तो इनको ऐसे ही आप कलेक्ट कीजिए या फिर कहीं भी बिखेर दीजिए ऐसे ही इन फलों को, तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। हल्की सी नमी बनाए रखिएगा, धूप हमने बता दी है कैसी चाहिए इसके प्लांट को। फर्टिलाइज़र कोई खास नहीं चाहिए, गमले में ग्रो कर रहे हैं तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप 30 से 45 दिन में इसमें दे सकते हैं, बस हल्की नमी बनाकर रखिएगा। तो इस तरह से हमारी जो काम है वो है आपसे प्लांट्स की जानकारी शेयर करना। खाने को लेकर हम ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्लांट जंगली पौधे के आसपास लगा हुआ होगा तो वो नुकसान भी दे सकता है, इसीलिए केवल हम प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में आपसे बातें शेयर करते हैं। तो इस तरह से इनके सीड्स होते हैं, इनको ग्रो किया जाता है, कैसी धूप, कैसा पानी और कैसा फर्टिलाइज़र चाहिए ये आपसे शेयर करते हैं। बाकी एक जंगली पौधा होता है, जंगली से मतलब ऐसा है कि ये अपने आप कहीं भी ग्रो हो जाता है। तो देखिए इसका एक एक सीड अब अलग हो चुका है, ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो इसके सीड्स आप 10-15 दिन के लिए ऐसी छायादार जगह पर कहीं रखकर पहले इसको अच्छे तरह से सूखने दीजिए, फिर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। थैंक यू।